नमस्कार मैम जी। अच्छा आप बताइए, ये पेपर मुझे जल बेचते हैं किसान, ये बताइए हमारे किसान भाइयों के ये कौन सी जड़ है? सिम सरजू जड़ है ये पिपरमुंड की जड़। इसे पेरन डाली जाती है और उसे जो पेरन तैयार होता है उससे तेल निकलता है। पेरन कैसे डाली जाती है हौसला प्रसाद जी बताएंगे। हौसला प्रसाद जी यहीं से पेरन की खरीदते हैं और जड़ खरीदते हैं। किसान भाइयों को एक महीने के लगभग बाद यहाँ से पेरन भी प्राप्त हो जाएगी। अभी जड़ मौजूद है, किसान भाई देख सकते हैं। और यहाँ से जड़ आप कौन कौन सी वैरायटी लाते हैं जड़ बेचने के लिए मार्केट में? तो रजू लाते हैं, उसके बाद कोसी आती है, कोसी प्रजाति शिवाली आती है जी जी, लेकिन उसमें रजू और कोसी सबसे नंबर एक की है जी। और जो हाइब्रिड भी लाते हैं आप हाइब्रिड मार्केट में? हाइब्रिड भी आती है, हाइब्रिड पैदावार ज़्यादा है उसमें, पैदावार ज़्यादा है और मोटी जगह होती है। और किसान भाई वो हाइब्रिड में का मतलब तेल भी ज़्यादा निकलता है और वो थोड़ा जड़ भी महंगी रहती है। हाँ जी जी। किसान भाई देख सकते हैं ये पिपरमुंड की जड़ है, ये जड़ से बेरन तैयार की जाती है और इसी को लगाया जाता है जो तेल निकलता है उसकी सिम सरजू। और कितने वैरायटी के रखते हैं आप? कोसी आती है, कोसी आती है। अच्छा अच्छा, हाइब्रिड कौन सा होता है? हाइब्रिड भी आती है। अच्छा हाइब्रिड, हाँ आप इसी जड़ से आपको लगाते हैं तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? सिम सरजू सबसे अच्छी है, उसके बाद कोसी। अच्छा, कोसी और सिम सरजू दो वैरायटी अच्छी है और ये दो की आप विक्रेता हैं जी जी। ठीक। वैसे मार्केट में इस समय क्या रेट बिक रही है? इस समय 15 रुपया किलो चल रही है। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 15 रुपया किलो चल रही है। हाँ, और जड़ें जड़ें बहुत अच्छी है, वैरायटी भी अच्छी है इसकी। किसान भाई देख सकते हैं ये जड़ बहुत अच्छी है, सिम सरजू है और 15 रुपये किलो है, जिसको लेना चाहे वो ले सकता है। समीन भाई इसकी जड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, लगभग एक बीघे के लिए कितना लेना पड़ेगा? एक बीघे के लिए 5 किलो। 5 किलो एक बीघे के लिए 5 किलो लेना पड़ता है। एक बीघा कच्चा एकड़ में एकड़ में 20 से 25 किलो 20 से 25, एक एकड़ में 20 से 25 किलो लगता है। जिस किसान भाई को चाहिए यहाँ से ले सकता है। किसान भाई देख रहे होंगे ये हमारे पीछे जो खेत बन रहा है सब ये पिपरमिंट की बेरन डालने के लिए बन रहा है। यहाँ पे पिपरमिंट की बेरन तैयार की जाती है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जा रही हैं और इसमें बेरन पड़ेगी और ये बेरन ही उखाड़ के बड़े खेतों में लगाया जाता है दूर दूर पे। वो कैसे लगाया जाता है, कैसे बेरन डाली जाती है ये हमारे मित्र हैं, क्या नाम है आपको भैया? अरविंद चौरसिया जी, ये आपको बताएंगे बेरन कैसे पड़ती है पिपरमिंट की और कैसे लगाया जाता है। अरविंद चौरसिया जी और एचपी चौरसिया जी दोनों जन मिलकर हमारे हम लोग को बेरन और लगाने की विधि बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं फिर से बताइए हमें भी। सबसे पहले मैं क्यारी बनाता हूँ। अच्छा, छोटी छोटी क्यारी, छोटी मतलब पहले इसके तो जुताई भी कराए हैं? कितनी जुताई कराते हैं, कैसे मिट्टी बनाते हैं? कम से कम मान के चलिए कि 2 बार कल्टीवेटर 3 बार रोटावेटर 2 बार कल्टीवेटर 3 बार रोटावेटर से पहले जुताई कराते हैं और मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, भुरभुरी बनाते हैं। उसके बाद इस पे छोटी छोटी क्यारियां तैयार करते हैं। मिट्टी उठा रखा दे इसे हो, और देखिए इतनी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए ये बेरन डालने के लिए, गर्दा गर्दा की तरह एकदम पाउडर गर्दा की तरह होना चाहिए। फिर इसमें क्यारियां बनाते हैं जी। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में हल्की सिंचाई करके ऊपर से बेरन को छीट करके उसके ऊपर फिर यही थोड़ा मिट्टी डलवाओ या थोड़ा मतलब मिट्टी डाल कोई खाद हो, गोबर खाद उसके ऊपर। अच्छा, हल्की सी सिंचाई करते हैं और उसके बाद बेरन इस पे डाल देते हैं जी। तो ये क्यारी में लगभग कितना बेरन पड़ता होगा जो आप क्यारी बनाए छोटी छोटी? जितने हिसाब से क्यारी होगी लगभग इसमें 4-4.5 किलो या 5, बस 4 से 5 किलो ये छोटी छोटी क्यारियों में 4 से 5 किलो बेरन डालते हैं। ये छोटी छोटी क्यारियों में अभी 4 से 5 किलो बेरन पड़ेगी, मतलब 1 या 1.5 इंच का फासला रहेगा। जी, 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 1 इंच का कम से कम। 1 इंच का एक बेरन से दूसरी बेरन, मतलब एक जड़ से दूसरी जड़ का 1 से 1.5 इंच का फासला रहेगा।
इस तरीके से हम इस पर छिड़काव करेंगे, पूरा फैला देंगे जी जी। उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की परत डालेंगे, हल्की ये पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा, ये गर्दा जो है मिट्टी का ये हल्का सा उस पर डालेंगे ताकि वो जड़ ढक जाए, और या गोबर की खाद भी मिक्स करके। हाँ, मिक्स कर दे, हो तो नहीं तो कोई। अच्छा, आप अगर आपके पास कंपोस्ट या गोबर की खाद उपलब्ध है तो मिट्टी के साथ मिक्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सादी मिट्टी हल्की सी डाल सकते हैं ताकि वो जड़ दब जाए, थोड़ा सा ढक जाए, बहुत हल्के में, ज्यादा नहीं। इसमें उसके बाद क्या करें? उसके बाद इसको बस यूं रहने दीजिए करीब 10-15 दिन, जब हल्का दर्रा है तो एक पानी हल्का दबा दीजिए बस। अच्छा, उसके बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे जी जी बस। और जब इसमें देखें मिट्टी में चिड़कन आ रही है या दर्रा फट रहा है तब हल्की सी सिंचाई कर दें, मतलब अभी इसमें कोई रासायनिक उर्वरक या मेडिसिन का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा? नहीं, जिस खेत में जो है अच्छी माइंड हमेशा जिसमें खेती होती है उसमें क्या हो सकता है, जिसमें नहीं होती है उसमें पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड है, पहले मिट्टी की जांच करवाते हैं ना? मिट्टी की जांच। हाँ, इसमें डीएपी भी? हाँ, डीएपी बोल तो रहा हूँ, डाल सकते हैं जैसे जिसका खेत कमजोर हो तो उसमें डीएपी मान लीजिए। अच्छा, एचपी चौरसिया जी बता रहे हैं कि जैसे खेत के रिपोर्ट जैसा हो, आप जांच कराए हैं उसमें आपका क्या पौष्टिक तत्व तो कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप उर्वरक भी डाल सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। जी जी जी, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये जो छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हैं, ये मान लीजिए कि अगर आपको एक बीघे के लिए डालना है बेरन, तो 3 मीटर लंबा हो और 6 मीटर चौड़ा हो, एक बीघे के लिए। एक बीघा कच्चा? हाँ, कच्चा। एक बीघा कच्चे की बेरन अगर डालना है तो 3 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, चौड़ा होनी चाहिए कि क्यारी होनी चाहिए। 4 से 5 किलो आप डाल सकते हैं, 6×4 मीटर की क्यारी होनी चाहिए एक बीघा कच्चे के लिए। जी 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 जी, एक बीघे कच्चे की बेरन इतनी बड़ी क्यारी में तैयार होगा। हाँ, उसमें 1 किलो डीएपी पहले छींट दें। अच्छा अच्छा, पानी भरने पे 1 किलो डीएपी डाल दें, उसके ऊपर से जड़ को छींट दें। अच्छा, जड़ को छींटने के बाद फिर 1 इंची मिट्टी पड़ना चाहिए, 1 इंची यानी कि वो ढक जाए, जड़ पूरी ढक जाए, मतलब जड़ पूरी तरह से ढक जाए। उसके बाद में 1 हफ्ता या 15 दिन में जब भी नमी हल्का हल्का सूखने लगे तो तुरंत, नमी सूखने ना पाए पानी, फिर उसको दौड़ा दें, क्योंकि जामिनेशन जब तक ना हो तब तक नमी उसमें बरकरार होनी चाहिए। ठीक, और ये बेरन कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये मान लीजिए लगाने के लिए, मतलब ये मान लीजिए कि 45 दिन में तैयार हो जाएगी, कम से कम 45 दिन। हाँ, 45 दिन में, 60 दिन में, जैसे जिसका खेत रहेगा, ये मान लीजिए जैसे तापमान का प्रेशर जो जनवरी के महीने में पड़ रही है ये लगभग 45 दिन, जो फरवरी में पड़ेगी वो 35 दिन वो तो। अच्छा, ये जनवरी में बेरन पड़ रही है 45 दिन में और जो फरवरी में पड़ेगी वो 35 दिन में तैयार हो जाएगी लगाने के लिए। ये लगाने का समय कब होता है? ये मान लीजिए कि मतलब इसका मेन समय मार्च से फर्स्ट समय रहता है, मार्च से मार्च। अच्छा, लास्ट फरवरी यानी मार्च स्टार्टिंग से बेरन लगना शुरू हो जाता है, जिसकी बेरन जैसे तैयार हो जाए वो लगा सकता है। ठीक, मार्च अप्रैल मई, ठीक, मई तक गेहूं कटने पर मई तक लोग लगाते हैं। तो किसान भाई समझ गए होंगे कि बेरन कैसे डालना है और कितने बीघे के लिए कितने बड़ी क्यारी में डालना है और कैसे डालना है, ये आपको प्रैक्टिकली एचपी चौरसिया जी बताएंगे। तो चलते हैं एचपी चौरसिया जी के खेत में, आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार अरविंद, नमस्कार अरविंद भाई, नमस्कार। नमस्कार, और ये हमारे महेश गुप्ता जी हैं, ये बेरन के होल विक्रेता हैं और जड़ के जो पहले बता चुके हैं, जिनको लेना हो इनके यहाँ से बेरन ले सकता है या जड़ ले सकता है। ये तो भाई खेत इन्हीं का है, महेश जी का है, ये तो डलवा रहे हैं अब रहा, ये तो वो सब। अच्छा, ये महेश जी का है? हाँ, ये खेत पूरा खेत इन्हीं का है, इन्हीं का है, अभी डलवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बेरन तैयार करा रहे हैं, यहाँ से बेरन उखड़ेगी, ये पौधा जस्ट बगल में घर के बगल नहीं डालने। ठीक ठीक ठीक। चौरसिया जी, आप पिपरमिंट की बेरन डालने जा रहे हैं ना जी? तो ये क्यारियाँ आपकी तैयार हैं लगभग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके, एकदम सब तैयार हैं। अच्छा, तो अभी ये हाथ में क्या लिए हैं? ये है जिंक है और कांगलब खाद है, ये खाद है। कौन सी खाद है? सुपर फास्ट, सुपर और जिंक। हाँ, का मिश्रण है। हाँ। अच्छा, तो इसको आप कहाँ डालेंगे? उसी क्यारी में डालेंगे। अच्छा, जो सिंचाई हो गई उसमें कि जो बाकी है? नहीं नहीं, जो सिंचाई हो गई है। हाँ। उसमें नीचे खाद डालेंगे और जिंक डालेंगे। अच्छा, क्योंकि कोई रोग न लगे। अच्छा, तो मतलब क्यारी बना के पहले उसको
सिंचाई करते हैं जी, फिर खाद का भुड़काव करते हैं। हाँ, खाद ऊपर से डाल देंगे। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कैसे आप डालेंगे? चौरसिया जी, ये क्या है? ये जड़ है। अच्छा, वो दुकान पे तो बड़ी बड़ी मिलती है जड़। हाँ, तो इसको मशीन में, चारा वाली मशीन में इसको काटे, छोटी छोटी की काट के। छोटी छोटी क्यों काटते हैं? इसलिए कि इसका जामिनेशन सही रहता है। अच्छा, और थोड़ा कटिंग हो जाने पर अच्छा इसमें कलम निकलता है। अच्छा, कलम हो जाता है। कलम, और इसकी संख्या भी बढ़ जाती है। हाँ, संख्या वो ज्यादा निकलेगा। सही, और बेरन डालने में आसानी हो जाती है। आसानी, क्योंकि इसको काटने से बहुत जरूरी है कलम करना। अच्छा, चारा काटने वाली मशीन में इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, इसको काट लिए उसी में चारा किस जैसे। चारा, ठीक, ओके। अभी आप इन क्यारियों में जिंक और सुपर, हाँ, खाद का भुरकाव किए हैं। हाँ, जिंक और सुपर इसमें डाल दिए। हाँ, अब ऊपर से इस जड़ को हम छींट रहे हैं। अच्छा, अभी इस जड़ को इसके ऊपर छींटेंगे। ये 3 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर लंबा है। एक एक इसमें मतलब इसमें हम 4 से 5 किलो डालेंगे। अच्छा, एक क्यारी में 4 से 5 किलो। हाँ, 3 मीटर चौड़ा, 6 मीटर लंबा है। लंबा। अच्छा, तो इसमें 4 से 5 किलो का आप ये जड़ फैलाएंगे पूरा। हाँ, हाँ, पूरा डालेंगे इसको। ठीक है, तो ये खाद के ऊपर अब सीधा आप जड़ फैला देंगे। हाँ, जड़ फैला देंगे। अच्छा, कैसे करेंगे हमारे किसान भाइयों को दिखाएं? हाँ, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं। और इसमें सुपर डालिए या जिंक डालिए? सुपर जिंक डालिए, और नहीं तो अगर मतलब DAP डाल दीजिए 1 किलो, एक वाहे में। अच्छा, 1 किलो। अच्छा, DAP डाल दिया जाए। अच्छा, अगर आपके पास सुपर जिंक नहीं है। हाँ, तो 1 किलो DAP डाल सकते हैं। हाँ, और 100 ग्राम जिंक। 100 ग्राम जिंक। हाँ, एक क्यारी में। हाँ, एक क्यारी, 3×6 के मीटर में। ठीक ठीक, इसको अब हम डाल रहे हैं। आप किसान भाइयों को दिखा देना कैसे डालना है, क्या डालना है, कैसे। हाँ, अच्छी तरह से। चौरसिया जी, हो गया क्या इस कैरी का? हाँ, ये पूरा पर्याप्त इसमें हो गया है। अच्छा, इसमें पूरा पर्याप्त हो गया है। अभी इसके ऊपर मिट्टी भी डालेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। हाँ, मिट्टी डालेंगे। हमारे किसान भाई देख सकते हैं ना, देखिए चौरसिया जी ने इस जड़ को पूरी क्यारी में किस तरीके से बिछा दिया है। इसी तरीके से बिछाना रहेगा मेरे दोस्त। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए ऐसे ही बिछाना रहेगा पूरी क्यारी में। अब इसमें मिट्टी डालेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। हाँ, मिट्टी कहाँ से लेंगे आप? मिट्टी जैसे इधर क्यारी है। हाँ, इधर क्यारी है। हाँ, दोनों साइड में क्यारी है। हाँ, और एक यानी कि 1.5 फुट छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मिट्टी इसे बटोर देना चाहिए। अच्छा, कि मिट्टी इस साइड में, दाहिनी साइड में, बाएं साइड में पड़ जाए आराम से। अच्छा, हमारे किसान भाई देख सकते होंगे जहाँ चौरसिया जी खड़े हैं, इन दो क्यारियों के बीच में देखे लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी में छोड़ दिए हैं, नाली या नाली टाइप का, या मिट्टी बटोरने के लिए, जैसा कि थोड़ा सा मिट्टी इनको मिल जाए इन क्यारियों में फैलाने के लिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरीके से दो क्यारियों के बीच में 1 से 1.5 फीट तक जमीन छोड़ दें, ताकि इससे मिट्टी उठा के इस जड़ के ऊपर फैलाई जाए। अभी हम दिखा रहे हैं मिट्टी डाल के। हाँ, हमारे किसान भाइयों को बताइए कैसे। जैसे ये हो गया, ये ऐसे डालना मिट्टी को। अच्छा, पूरा जड़ जो है ढक जाए। हाँ, दोनों साइड में। अच्छा, ये दोनों साइड में ऐसे डाल देना है मिट्टी को। हाँ,
देखिए चुना से जो कैसे नाली के बीच में बैठ के दोनों क्यारियों में दोनों साइड मिट्टी डाल रहे हैं, किसान भाई को ऐसे ही करना चाहिए। इसकी मेन विधि यही है, आराम से मिट्टी दोनों साइड में पड़ जाएगी। हाँ, सावधानी पूर्वक डालना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं, जल्दी कोई नहीं है, आराम से एक घंटा बाद भी डाल सकते हैं, तुरंत भी डाल सकते हैं। अच्छा, बाद में भी डाल सकते हैं। हाँ, दूसरे दिन सुबह भी डाल सकते हैं, जिसे शाम के डाला जाए। हाँ, इसको डाल दिया जाए जड़ को, सुबह भी मिट्टी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, शाम को जड़ को अगर डाल दिए हैं तो आप मिट्टी सुबह भी डाल सकते हैं। सुबह, लेकिन मिट्टी भीगने ना पाए। मिट्टी भीगने ना पाए, मिट्टी सूखी बनी रहे। इसके बाद और भी कुछ करना रहता है इसमें? नहीं, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये है कि पर्याप्त मिट्टी डालनी पड़ती है कि जड़ पूरी ढक जाए। और इसकी देखभाल करते रहने का? हाँ, देखभाल करना है। नमी इसमें जैसे थोड़ा कम होने लगे फिर इसको पानी से दौड़ा देना चाहिए। अच्छा, नमी नहीं जाना चाहिए? नहीं, नमी नहीं। नमी जाते दिखाई पड़े तो थोड़ा सा सिंचाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जड़ नाजुक होती है। अच्छा, बहुत नाजुक जड़ है, धूप लगने पर हवा चलने पर सूख जाती है। अच्छा, ज़्यादा धूप ज़्यादा हवा से सूख जाती है, इसलिए सामान्य वातावरण चाहिए। और अगर आपको नमी जाते दिख रही है तो हल्का पानी दौड़ा दीजिए, जिससे इसमें हरियाली बनी रहे।